और ये सब लोग जा रहा है सोनप्रयाग से गोरी काफी ज्यादा डर है यहाँ पे और वहाँ पे काफी तेज बढ़ने लग गई है। जो मेरे दोस्त आ रहे थे वो शायद ही अंदर जाने दे अपने और सर खुजाल रहे और अपने जो चाहने वाले उनको आशीर्वाद दे दीजिए आप सभी। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी, वापस से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। और गाइज आज मैं हूँ सोनप्रयाग में, रात भर से यहीं पे रुका हुआ था और 300 रुपये में हॉल लिया था हमने, एक एक बेड मिला था हमें रुकने के लिए यहीं पे। और अगर आप होटल लेना चाहें तो होटल काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा, 2500-3000 रुपये, कम में इधर होटल नहीं मिलेगा। तो हमने सोचा हॉल ले लेते हैं, 300 रुपये लगेंगे, कम लगेंगे और पैसे बच जाएंगे, इतना ज़्यादा अपन खर्च नहीं कर सकते ना, इसीलिए और जगह घूमना है अपन ने। और ये हमारा हॉल था जिसमें मैं रुका हुआ था और अपना बैग रखा है यहीं पे। और सोनप्रयाग में ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 5 डिग्री तापमान पहुंच गया था रात को, इसीलिए टोपा और मैंने 4-5 जोड़ी कपड़े पहन लिए क्योंकि मैं ब्लेजर भूल गया था घर पर ही। और बाहर इतनी लंबी लाइन लगी हुई है सोनप्रयाग में, 3-4 किलोमीटर के लगभग लाइन लगी हुई है। और ये जा रहा है सभी गोरीकुंड, गोरीकुंड से फिर यात्रा स्टार्ट करेंगे केदारनाथ की सभी लोग। और बाहर का नज़ारा कुछ दिखा देता हूँ मैं आपको। और केदारनाथ में बर्फबारी हो रही है अभी भाई साहब और काफ़ी खूबसूरत माहौल है यहाँ पे। और ये इतनी लंबी लाइन लगी है, नारे लग रहे थे अभी महादेव के। और जहाँ तक आप देखोगे ना दूर दूर तक लाइन लगी हुई है। और गाइस मैं रुका था अपने दोस्त के साथ जो दिल्ली से आ रहे थे, वो तो बस में दोस्ती हो गई थी हमारी और रात भर दोनों रुके हुए थे यहीं पे। और वो तो चले गए, उनको थोड़ा लेट हो रहा था और मैं रुका हूँ अपने दोस्तों के लिए जो ब्यावरा से आ रहे हैं। वो 11 बजे तक आ जाएंगे, 11 बजे तक मैं सोनप्रयाग में वेट करूंगा उनका, क्योंकि एक साथ मिल जाएगा ना अपने अपने जो MP के और अपने शहर के हैं इसीलिए। और गाइस अभी थोड़ा बाहर की ओर आया हूँ, अभी मेरे दोस्तों से बात हुई थी, वो जाम में फंसे हुए, उन्हें 1 घंटा और लग जाएगा। और भूख लगने लग गई, अभी 10 बज गई है तो कुछ खाने का देखता हूँ इधर उधर। और ये सब लोग जा रहे हैं सोनप्रयाग से गोरीकुंड और इनकी लंबी लाइन 2 किलोमीटर तक है। और यहाँ से जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया उनसे यहाँ से चेकिंग हो रही है सामने। और गाइस अभी मैं जा रहा हूँ गोरीकुंड की ओर और मैंने अभी खाने के लिए एक बिस्किट लिया जो 10 रुपये का 15 में दिया मुझे, यहाँ पे MRP रेट से ज़्यादा मिलेगा। और मेरे आगे काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, ये लाइन लगभग 3-4 किलोमीटर लंबी लाइन है। और ये है सोम नदी और इसके ऊपर जो पुल बना है इससे लोग निकलते हुए आ रहे हैं और मुझे 2 घंटे लग गए यहाँ से आने में, 4 किलोमीटर लंबी लाइन थी ये। और यहाँ से पड़ेगा हमें गोरीकुंड लगभग 4.5 किलोमीटर और यहीं से गाड़ियाँ जा रही 50-50 रुपये ले रही, तो यहीं से बैठ जाता हूँ मैं भी। और गाइस गोरीकुंड से पड़ेगा हमें केदारनाथ 16 किलोमीटर और यहीं से हमारी यात्रा होगी चालू। और गाइस अभी गोरीकुंड में हूँ और अभी लगभग 12 बज चुकी है और खाना खाने का टाइम हो चुका है और कुछ भी नहीं खाया, सुबह से एक बिस्किट लिया था मैंने। और अभी 130 रुपये की प्लेट है जिसमें मुझे 4 रोटी मिलेगी, चावल मिलेगा, तो खाना खा लेते हैं यहीं रास्ते में। और अभी का अपना खाना तैयार होने वाला है, लोकल होटल है ये। और गाइस खाना पीना आ चुका अपना और खाना खा के मिलते हैं। और भाई साहब अभी हमारा लगभग 3 किलोमीटर का सफर तय हो गया है और जिसमें हालत ख़राब हो गई क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा वजन है, लगभग 20-25 किलो वजन तो होगा और सामने बर्फबारी हो रही तो भी पसीना पसीना हो जा रहा है हम, क्योंकि बैग में वजन और सीधा ऊपर घाटी चढ़ना ऐसे ही हालत ख़राब हो जाती है। और मेरे दोस्त भी आ रहे थे, बोल रहे थे हमारे, और मैं सोच रहा था कि इतने पैदल चलूँ मैं, धीरे धीरे पहुँच जाऊँगा, वो आएंगे इतने। और अगर आप लेना चाहे तो घोड़े भी ले सकते हैं और सभी लोग लेते हैं, लेकिन मुझे पैदल जाना है, भगवान के यहाँ जा रहा है तो घोड़ों क्या सहारा ले। और पहले ही रास्ते पे जगह जगह दे रखा दुर्घटना संभावित क्षेत्र। और भाई साहब मैंने मेरी लाइफ में इतनी बड़ी पहाड़ी नहीं देखी कहीं भी, इतने बड़े बड़े पर्वत, क्या ही बताऊँ, मज़ा आ गया देख के। ठंडी हवा चल रही है अब तो। ब्रदर क्या रेट का एक घोड़े का? हाँ 2500-2000 एक राइड का, नीचे से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक, ऊपर ही ऊपर का है और ऊपर से नीचे तक का 6-7 हज़ार दोनों तरफ का। और गाइस आप घोड़े से भी जा सकते हैं और एक तरफ से 2500-2000 रुपये लगेंगे आपके। और गाइस हर जगह ग्लेशियर जमा हुआ है और अभी 2.5-3 किलोमीटर और बचा अपना केदारनाथ, पहुँच जाएंगे लगभग आधे घंटे में और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है ये वाला। और गाइस अभी मैं पहुँच गया हूँ रास्ते में
यहाँ से केदारनाथ 2 किलोमीटर, बीच में ग्लेशियर है काफी और बर्फ जमा हुआ है और फिसलन की काफी ज्यादा डर है यहाँ पे। और वहाँ पे ऊपर ग्लेशियर, वहाँ पे नदी बह रही है जो इसके नीचे और जा रही है और कभी भी यहाँ पे खतरा है काफी, तो यहाँ से चलना ही सही रहेगा। अभी केदारनाथ के लिए आरती में जाना है, चलो। और गाइस ट्रेकिंग चालू हुई, अभी लगभग 2 किलोमीटर और बचा है और पानी काफी तेज गिरने लग गया और हम शॉर्टकट रास्ते से जा रहे हैं, सभी लोग इधर से जा रहे हैं। और मैंने ये ले लिया था नीचे से ही 100 रुपये का और यहाँ पे 200-300 रुपये का मिल रहा है। रेनकोट तो थोड़ा बचत हो जाएगा, कपड़े गीले नहीं होंगे, लोवर तो भीन जाएगा मुझे जहाँ तक लग रहा। और एक और लोवर रखा मेरे पास तो मेरा तो काम बन सकता है। तो अभी जा रहा हूँ और अगर आप आओ तो रेनकोट लेके आना, कभी बारिश हो सकती है यहाँ पे। और गाइज अभी थोड़ा रास्ते में फंस गया हूँ मैं और मेरे हाथ काम भी करना बंद हो गए, बिल्कुल सफ़ेद पड़ गए हैं और ठंड काफ़ी तेज बढ़ने लग गई है। जो मेरे दोस्त आ रहे थे वो गौरीकुंड में फंस गए हैं क्योंकि वहाँ पे आज गेट बंद हो गया जल्दी और पीछे खच्चर है जो बार बार धक्का दे रहे हैं, चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही। और गाइस अभी केदारनाथ यहाँ से 1 किलोमीटर और बचा है और मेरे पीछे बर्फबारी हो रही जो आपको दिख रही है। अभी यहाँ पे आके सारी थकावट दूर हो गई हमारी तो, और जगह जगह एम्पिंग टेंट लगे हुए मेरे पीछे, 300-400 रुपये में आपको रात रुकने के लिए जगह मिल जाएगी और परफेक्ट व्यू है यहाँ से। क्या भैया कैंपिंग टेंट आ रहे फिर से अभी। और ऐसे जगह जगह कैंपिंग टेंट लगे हुए और 300-400 रुपये में आपको कैंपिंग टेंट मिल जाएगा रात में रुकने के लिए। और यहाँ से केदारनाथ थोड़ी सी दूर है, लगभग 500 मीटर दूर हो रहे, वहीं पे जा रहा हूँ आरती में भी। और गाइज अभी लगभग 7:15 बज चुकी है और दर्शन करने का टाइम हो गया और बगल में मुझे कैंपिंग टेंट मिल गया, भाई सब ने रोक लिया। और 300 रुपये मुझे कैंपिंग टेंट मिलेगा रात भर रुकने के लिए, एक बेड मिलेगा और स्लीपिंग बैग तो मेरे पास है ही सही। आता हूँ भाई उधर से फिर बैठते हैं, है ना। हाँ ओके, कोई दिक्कत नहीं, ओके ओके। लो भैया, और गाइज यहाँ से वेरीफिकेशन करवा रहे हैं अपन, तब जाके अपना टोकन मिलेगा। ठीक है, थैंक यू भैया। और गाइज काफ़ी अच्छी किस्मत चल रही है अपनी, आज अपने टोकन मिल गया आरती के लिए और आरती भी हो रही है अभी, तो वहीं पे जा रहा हूँ मैं आरती में दर्शन करने और आप सभी को दर्शन करवाऊँगा। और जो बोलते हैं स्वर्ग का मार्ग वो यही है और जो मैं चल रहा हूँ स्वर्ग के मार्ग पर। और गाइज आरती तो चालू हो गई लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है, शायद ही अंदर जाने दे अपने, लेकिन चलते हैं। गाइज अंदर तो शायद ही जा पाए, इतनी ज़्यादा भीड़ है और लंबी बहुत लाइन है, अब देखते क्या होता है। और गाइज बाहर आ गए अभी मंदिर के हम, और गाइज काफ़ी किस्मत वाले हैं, हमें दर्शन हो गए शाम को। और अंदर तो वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, मेरा फ़ोन छीन लिया था, वीडियो बनाई मैंने तो। और बाबा गौरी खड़े हैं यहाँ पर जो सभी के तिलक लगा रहे हैं। और शाम की लगभग 8 बज चुकी है और सभी दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए हैं और मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि मैं बीच में से लग गया था। हाँ, और यहाँ पे बगल में जो महात्मा मुनि बैठे हैं और रात का टाइम है तो इतना क्लियर दिखेगा नहीं आप सभी को, लेकिन जितना अच्छा दिख सके उतना कोशिश करूँगा मैं। और आरती का समय तो हो चुका है बिल्कुल अभी। और गाइज अभी मंदिर के जस्ट बगल में खड़ा हूँ मैं और ठंड भी काफ़ी बढ़ गई, लगभग -5 डिग्री हो गया तापमान। और किस्मत अच्छे अपने दर्शन हो गए, आज ही आया मैं और आज ही दर्शन हो गए केदारनाथ में और बगल में खड़ा हूँ और जो अंदर जाके जो अच्छा फील हुआ वो कहीं भी नहीं हुआ गाइज। और आपको भी आना चाहिए एक बार तो। और मंदिर के बगल में बाबा गौरी बैठे हैं जो अभी बीड़ी पी रहे हैं और सर खुजाल रहे हैं और सभी बाबा लोग ऐसे ही हैं यहाँ पे। और गाइज जो हमारे आदरणीय पूज्य गुरुदेव मिले हैं हमें और इन्होंने हमें आशीर्वाद भी दिया है अभी, और इनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा हमें। और अपने जो चाहने वाले उनको आशीर्वाद दे दीजिए आप सभी। जय महाकाल, जय महाकाल। तो अभी चलते हैं और इनके लिए कुछ लाता हूँ मैं। ठीक है, आता हूँ मैं, बिल्कुल बिल्कुल, अभी आता हूँ उधर जाके। और गाइस दर्शन हो चुके हैं और अपने महात्मा मुनि लोगों के दर्शन हो चुके हैं और उनसे बोला था मैंने एक दूध का पैकेट लेके देने का, लेकिन अभी आसपास कहीं मिल ही नहीं रहा है यार, कहाँ ढूंढूं मैं। और काफ़ी देर का ढूंढ रहा लेकिन नहीं मिला मुझे, तो अभी उनसे ऐसे ही सॉरी बोल देता हूँ, माफ़ी मांग लेता हूँ ऐसे यहीं से। और अभी जा रहा हूँ मैं कैंपिंग टेंट जो मैंने बुक करा था।
और गाइस अभी कैंपिंग टेंट में पहुंच गया हूं मैं अभी, और मैंने पहले इधर से जाते हुए ऑर्डर कर दिया था 300 रुपये में रात भर रुकने के लिए, और अभी सुबह कुछ भी नहीं खाया, भूख भी लगने लग गई। और यहाँ पर एक पराठा है 80 रुपये का, तो खाना पड़ेगा भूख लग गई, और सुबह कुछ भी नहीं खाया मैंने। पराठे के साथ अचार मिलेगा ना, ठीक है ला दो। और गाइस 80 रुपये में एक पराठा और अचार है, क्या करें मजबूरी है, खाना पड़ेगा। और गाइस खाना खराब हो चुका है, एक पराठा मेरा काम हो गया, काफ़ी महंगा है सब। और जो सामने का कैंपिंग टेंट अपन ने बुक करा था, अंदर चलते हैं, क्या हो ब्रदर। और हमारा कैंपिंग टेंट चेंज कर दिया भाई ने, पहले वो वाला था, अब ये वाला दिया मुझे अकेले के लिए। क्यों ब्रदर, और क्या क्या अंदर अंदर और कुछ तो नहीं है? और अपने टेंट में अंदर जाता हूँ मैं, फर्स्ट टाइम टेंट में सो रहा हूँ मैं, कैसा क्या रहता है। ओ भाई साहब ठंडा है बिल्कुल। और अपने जूते इधर साइड में रख लूँ, फिन जाएंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी मुझे, सुबह ठंडा लगेगा बहुत ज़्यादा। और ऊपर से ये वाली चेन भी लगा लूँ। और गाइस जूते यहाँ पे रख लिए मैंने साइड में, और इधर मैंने रेनकोट रख लिया, और एक भैया ने मुझे स्लीपिंग बैग दिया, और एक खुद का पर्सनल है। और नीचे काफ़ी ठंडी जगह है, और इधर मैंने बैग भी रख लिया सर के नीचे, एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे यार। और गाइस अभी मैंने 300 रुपये पे कर दिए भैया को, और सो गया हूँ मैं। और दो स्लीपिंग बैग एक के ऊपर एक कर लिया, तो ठंड भी नहीं लग रही इतनी अभी मुझे। और गाइस आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। गाइस बहुत मेहनत लगती है यार आपके लिए वीडियो बनाई मैंने, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और आपको पसंद आया वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।